हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फोर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें सम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या है? रोम्बस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी जिसकी जो है चार जो है क्या होती हैं, साइड्स होती हैं, एंड हुज ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, चारों साइड्स उसकी इक्वल लेंथ की होती हैं, एंड इट इज़ अ पैरेललोग्राम एज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और ये क्या है बच्चों, रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स, ये साइड्स इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड्स इसके इक्वल रहेगी, ठीक है। दीज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ अ रॉम्बस इज एसोसिएटेड विद इट्स डायगनल। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है इसके डायगनल के बारे में। द डायगनल ऑफ ए रॉम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। जो डायगनल हैं रॉम्बस के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्टर करते हैं, यानी जैसे ये एक डायगनल है, अब जब हम इसके ऊपर दूसरा डायगनल डालेंगे तो ये इनको इनको बराबर भागों में डिवाइड करेगा और ये इसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो इन अ रॉम्बस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम आर प्रेजेंट। तो जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके एक वर्कशीट में हमने पढ़ा था ना, जिसकी जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो क्या है, वो पैरेललोग्राम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल क्या है, एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ राइट एंगल। जो भी एंगल होगा इसके अंदर वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा, क्लियर है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 के एंगल रहेंगे। सो एवरी एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज़ राइट एंगल। ए है, द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो डायगनल हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा, क्लियर है। द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हमेशा काटेंगे, ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे। ए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर जो है एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। उसके बाद है स्क्वेयर। स्क्वेयर में क्या है, ए स्क्वेयर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वेयर भी क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम होता है इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। इसके अंदर सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी स्टार्टिंग में हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, हमने रॉम्बस पढ़ा है, तो रॉम्बस के भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज हो गई, जिसके अंदर साइड्स इक्वल थी और इसके अंदर एंगल भी इक्वल होते हैं, तो हमारा जो रेक्टेंगल है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ गई। सो स्क्वेयर हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रॉम्बस। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, रॉम्बस की भी हो गई और पैरेललोग्राम की भी हो गई। पैरेललोग्राम की तो ऐसे हो गई कि इसके अंदर आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्यों हो गई, इनके अंदर एंगल 90 डिग्री का होता है। और रॉम्बस की हो गई कि इसके जो डायगनल है वो एक दूसरे को काटते हैं, क्लियर हो गया। तो स्क्वेयर के अंदर तीनों की प्रॉपर्टी होती हैं। सो स्क्वेयर इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। डायगनल ऑफ अ स्क्वेयर अटेन ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, दे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगे, परपेंडिकुलर भी होते हैं एंड ऑल्सो इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी इसमें हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर बहुत ही ईजी से तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, MCQs क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। सो आप अपनी कॉपी में ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना इनकी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिख के और ये वर्कशीट पूरी कर लेना, ताकि आप इसको समय रहते इसको अच्छे से लर्न कर सको, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट जो है अपनी कॉपी में राइट कर लेना। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। आपको बताना है इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम नहीं है। स्क्वेयर, स्क्वेयर तो है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम नहीं होगा, रॉम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अब बी आंसर क्यों हो जाएगा, बी आंसर इसलिए हो जाएगा, ट्रेपीजियम जो होता है उसके अंदर दो साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ये ऐसे है, अब इसके अंदर ये वाली इसके पैरेलल हो गई, लेकिन ये वाली इसके पैरेलल नहीं है,
इसलिए ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज़ परपेंडिकुलर डायगनल। हमने अभी पढ़ा था परपेंडिकुलर डायगनल जो है वो किस में होगा, ऑप्शन ए रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में, ट्रेपीजियम में या रोम्बस में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, रोम्बस। सेकंड का आंसर आपका डी हो जाएगा, रोम्बस के अंदर परपेंडिकुलर डायगनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज इक्वल डायगनल। कौन सा जो है क्वाड्रिलेटरल में इक्वल डायगनल होते हैं, काइट में, रोम्बस में, स्क्वेयर में या पैरेललोग्राम में। अभी हमने पढ़ा स्क्वेयर के अंदर जो है वो इक्वल क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्लियर है। तो थर्ड का सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।